मीरा रोड स्थित गंधर्व बार को किया गया धराशाही। अनाधिकृत तरीके से गुप्त कमरों का निर्माण कर चल रहा था अश्लीलता का रैकेट। प्राप्त जानकारी के अनुसार मीरा रोड क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली कि मीरा रोड भाईंदर में गुपचुप तरीके से डांस बार चलाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि गंधर्व बार के बिजली रूम के अंदर सुरंग कर कुछ गुप्त कमरे बनवाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने 25 लड़कियों को उस गुप्त कमरे से गिरफ्तार किया और प्रशासन की आड़ में चल रहे इस अश्लीलता के रैकेट का भांडा फोड़ किया। वहीं जब इसकी जानकारी नगर पालिका को दी गई तो नगर पालिका ने अवैध और गुपचुप तरीके से बनवाए गए कमरों को धराशाही कर दिया। माननीय आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन में डांस इलीगल डांस बार है, डांस बार में कैविटीज है, उस कैविटीज तोड़ना है, इलीगल डांस बार में तोड़ने है, ये शुरुआत आज हुई है। माननीय पुलिस आयुक्त महोदय की भी कंप्लेंट थी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के सामने कि शहर में जो इलीगल डांस बार है, जो डांस बार में कैविटीज है, तो महापालिका आयुक्त दिलीप ढोले जी के मार्गदर्शन में हमने आज की कार्रवाई चालू की। आज से कार्रवाई चालू रहेगी, जारी रहेगी। जितने भी डांस बार है, डांस बार में जितनी भी इलीगल कैविटीज़ है वो कैविटीज़ तोड़ने की, और जो डांस बार इलीगल है वो डांस बार तोड़ने की कार्रवाई चालू रहेगी आज। सर अक्सर ऐसा होता है कि महानगर पालिका कार्रवाई करती है लेकिन कुछ ही महीनों में दोबारा से बनकर तैयार हो जाते हैं, तो क्या कहेंगे? अभी ऐसा नहीं हो जाएगा, जो डांस बार टूटा है वो टूटा ही रहेगा। ऐसा कुछ नज़र में आ गया तो वो जो अधिकारी वहाँ का है वो अधिकारी जिम्मेदार ठहरा जाएगा और उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सर इस डांस बार पे गंधर्व पे तीसरी बार कार्रवाई हो रही है बड़ी, तो क्या इसके जो मालिक है उसके ऊपर MRTP के तहत मामला दर्ज होगा? जो कानून के मुताबिक जो जो एक्शन लेना मुमकिन है वो एक्शन जरूर लेंगे। कल नया नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो कार्रवाई की गई उसके तहत IPC धाराएं 308, 294, 7712 एक्ट की कलम और कोविड नियमावली का उल्लंघन के तहत गुना नयानगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। उस गुना के अनुषंग से पुलिस विभाग और महानगर पालिका के जो हमारे डिप्टी कमिश्नर है मारुति गायकवाड़ साहब, उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखते हुए जो जो इस आस्थापना में इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जिसके जैसे कि स्टेयर केस हो, जो शेड बनाया गया है इलीगली, साथ ही साथ कुछ कंस्ट्रक्शन में चेंजेस करके एक्स्ट्रा रूम जैसे कैविटी वो बनाए गए थे, वो सब अवैध बांधकाम आज तोड़ा गया है। आगे भी ऐसे अगर कोई निदर्शन में आता है साथ ही साथ। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।